बाहुबली की सफलता के बाद प्रभास के सितारे बहुत बुलंदी पर हैं। इन दिनों फिल्म साहू की तैयारी में व्यस्त प्रभास के बारे में यह खबरें उड़ रही थीं कि उनकी झोली में अब मशहूर निर्देशक के आर मुरुगदोस की फिल्म आ गिरी है, लेकिन फिल्म के निर्देशक ने अब इस खबर को अफवाह बताते हुए इसका खंडन किया है। ए आर मुरुगदोस ने बताया कि उन्होंने प्रभास से मुलाकात की थी, लेकिन यह एक पर्सनल मुलाकात थी जिसे अलग तरह से पेश किया गया। वैसे देखा जाए तो फिलहाल प्रभास के लिए किसी भी नई फिल्म को समय दे पाना खासा मुश्किल है। श्रद्धा कपूर के साथ फिल्म साहू की शूटिंग के बाद वो निर्देशक राधा कृष्णा के साथ एक रोमांटिक पीरियड ड्रामा फिल्म में नजर आएंगे। हालांकि फैंस इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ए आर मुरुगदोस अपने एक्टर्स के साथ एक करीबी और लंबे समय तक चलने वाला रिश्ता कायम करते हैं। हाल ही में रिलीज हुई महेश बाबू स्टारर उनकी फिल्म स्पाइडर को बहुत अच्छी ओपनिंग मिली है। महेश बाबू और ए आर मुरुगदोस की दोस्ती करीब 10 साल पुरानी है और इसी के नतीजे के रूप में स्पाइडर दुनिया के सामने है। फिलहाल प्रभास ने इस अफवाह पर अपना कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में एक अच्छे डायरेक्टर मुरुगदोस के साथ वो काम करते जरूर नजर आएं।